हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल में जितने भी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट है सभी का ऑनलाइन एग्जाम रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ओके, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सो मैं आप लोग बता दूं, बांग्लार उच्च शिक्षा जो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें 10 दिसंबर को एक नोटिस पब्लिश किया गया है एंड वो नोटिस वेस्ट बंगाल में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को वो सेंड किया गया है। सो नोटिस में क्या लिखा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मकआउट को तो हम छोड़ नहीं सकते, मकआउट एक स्पेशल टॉपिक है हमारे लिए। सो मकआउट स्टूडेंट के लिए भी एक नोटिस है जो आप लोग देख सकते हो, ये वाला नोटिस। और ये नोटिस भटकते हुए आत्मा की तरह घूम रही है सारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो ये सच है कि फेक है या सही है उसके ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है जो कल पब्लिश किया गया था। तो आप लोग सीधा बांग्लार उच्च शिक्षा वेबसाइट में आ जाओगे एंड फर्स्ट वाला जो नोटिस है आप लोग देख पाओ, एडवाइजरी ऑन होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो इसमें साफ साफ आप लोग देख सकते हो, मेमो नंबर है 1060EDN U1U372020, ठीक है, डेटेड है 10 दिसंबर को। टू द वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑल, यानी सभी यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। ओके, सो फर्स्ट पैरा में लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के ऑर्डर के मुताबिक 16 नवंबर को आप लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ था, यानी सभी यूजी पीजी फॉर जनरल डिग्री कॉलेज इंजीनियरिंग प्रोफेशनल पीएचडी सभी के लिए ओपन हुआ था कॉलेज। ओके, फॉर COVID-19 प्रोटोकॉल। देन नीचे बोला गया है, एज द मैक्सिमम क्लासेस ऑफ करेंट सेमिस्टर वेर टेकन इन ऑनलाइन मोड, यानी जो सेमेस्टर अभी चल रहा है उस सेमेस्टर में मैक्सिमम जो क्लास हुआ है ऑनलाइन मोड में हुआ है। ओके, ये तो हम लोगों को पता है ऑनलाइन में ही हुआ है। इट इज एडवाइज टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट टू कंडक्ट द करेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड वेर एवर इट इज पॉसिबल। ओके, सो आप लोग जानते हो और हम भी जानते हैं कि इस सेमिस्टर का मैक्सिमम क्लास ऑनलाइन हुआ है, तो कैसे ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है ना। सो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसमें भी सेम ही वही बताया गया है कि ऑनलाइन क्लास हुआ है तो ऑनलाइन एग्जाम भी होना चाहिए, ठीक है। दिस एडवाइजरी इज इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड by the section 18 of the West Bengal Universities and Colleges Administration and Regulation Act 2017 and with the approval of competent authority। okay, यानी इस section में आता है, इस को approval किया गया है, ठीक है। नीचे एंड बोला गया है, you are requested to take suitable decision in your appropriate body and you should advise it to your all affiliating bodies, यानी affiliating जितने भी colleges हैं, in consultation with the stakeholders, this is issued with the approval of the competent authority। okay, so ये जिस किसी भी यानी सभी यूनिवर्सिटी को भेजा गया है एंड सभी यूनिवर्सिटी को यह बोला गया है कि आप लोग आपके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, उनको बोलो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सो यही है पूरा इसमें बताया गया है, ठीक है। सो ये गुड न्यूज़ है, यानी अब तक, यानी आज 11 दिसंबर है, 10 दिसंबर को ये सारे यूनिवर्सिटी को भेजा गया है, तो अब तक मे बी सारे यूनिवर्सिटी को मिल गया है। आज शनिवार है, कल संडे है, ओके, मे बी मंडे को सभी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश हो जाएगा। एंड डोंट वरी, सबका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। अभी आते हैं मकआउट यूनिवर्सिटी का क्या हालचाल है। तो मकआउट यूनिवर्सिटी का एक नोटिस जो है वो भटकते हुई आत्मा की तरह घूम रही है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है, दिस इज रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मेमो नंबर जो है वो सही है, ठीक है। इसमें जो मेमो नंबर दिया हुआ है यो मेमो नंबर एंड ये वाला जो मेमो नंबर, ये मैच किया गया है, ठीक है, ये मैच हो गया है, यानी इसका ही बात कर रहा है इसमें। एंड साइड में लिखा गया है कॉपी एनेक्स्ड, यानी इसका कॉपी भी नीचे पीडीएफ में है, ठीक है। एंड देन नीचे बोला गया है, ऑल ऑटोनोमस कॉलेजेस एफिलिएटेड टू मकआउट WB आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू कंडक्ट द करंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड। एंड नीचे डॉक्टर पार्थ प्रीतम लाहिड़ी रजिस्टर जो है मकआउट का 11 दिसंबर को। देन नीचे आप लोग देख सकते हो, कॉपी टू द COE मकआउट WB, ठीक है। सो ये जो नोटिस है ये मकआउट के अंदर ही अनऑफिशियली
ये सेंड किया गया है, मे बी COE मैकआउट को, मैकआउट का जो COE है उनको भेजा गया है, एंड उसी वक्त ये कैप्चर करके सोशल मीडिया में वायरल हो गया मे बी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ये नोटिस सही है कि नहीं, फेक तो नहीं है। तो मैं आप लोग बता दूं, इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है। जैसा आप लोग देख सकते हो कि जो मेमो नंबर दिया गया है यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है उसका कॉपी नीचे है, एंड सेम वही बोला गया है जो पिछले नोटिस में बोला गया था। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें सेम बोला गया है, सेम चीज ही है। ओके, जस्ट ये देख कर लग रहा है कि ये जो नोटिस है ये अनऑफिशियली मकआउट के अंदर ही COE को भेजा गया था, और इसका कॉपी ही जस्ट वो सोशल मीडिया में गलती से या कुछ तरीके से वायरल हो गया है, यानी किसी को मिल गया है। ओके, बट अभी तक ये जो नोटिस है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो मकआउट का ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं हुआ है। मैं रिफ्रेश करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कोई नोटिस नहीं है, और जो मकआउट का WBUT है उसमें भी कोई नोटिस नहीं है। लास्ट अपडेट है 8 December का, ठीक है, मैं रिफ्रेश करके आप लोग को दिखा दिया। ओके, तो कुछ भी नोटिस अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ये जो नोटिस है ये अनऑफिशियली मकआउट के अंदर, मकआउट यूनिवर्सिटी के अंदर ही मे बी ये फॉरवर्ड किया गया है किसी सर को, तो वो उन्होंने क्या किया, ये भेज दिया, किसी को मिल गया है, तो हो सकता है, ठीक है। बट इसमें जो बताया गया ये एकदम कॉमन है, क्योंकि यही सेम बातें इसमें भी है, ठीक है। सो मकआउट पहले डिसीजन लेगा, आज तो शनिवार है, कल संडे है, ओके, उसके बाद मे बी ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिस है सभी यूनिवर्सिटी को भेजा गया है, मकआउट को भी भेजा गया है, तो मकआउट उसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, बट 100% या 100% नहीं, 99% श्योर कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड ये नोटिस हम लोग फेक नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो कुछ भी एडिशनल कुछ नहीं लिखा है, जस्ट वही बातें इसमें लिखा है जो कि पिछले नोटिस में लिखा था, ठीक है। सो डरने वाले कोई बात नहीं है, जस्ट वेट करो एंड सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आ जाएगा तो मैं बोल ही दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।